लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जिस तरह से राजनीतिक दल अपनी अपनी कोटियां फिट कर रहे हैं, कहीं जाति धर्म की बात हो रही है, कहीं हिंदू मुसलमान की, इन सब के बीच उन्नाव से कांग्रेस की प्रत्याशी अनु टंडन से खास बातचीत की इंडिया वॉइस ने। हमारे साथ हैं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि इनके पूर्व में जो सामाजिक कार्य रहे हैं उसकी वजह से वो उन्नाव जनपद में पहली बार रिकॉर्ड मतों से जीती थी। लगातार सामाजिक कार्यों की वजह से जाने जाने वाली अनु टंडन फिर इस बार उन्नाव 33 लोकसभा के मैदान में है। हम जानना चाहेंगे उनसे ही कि किस तरीके के जो उनके कार्य हैं कितना प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, और कांग्रेस की नीतियां क्या हैं जिनसे आने वाले दिनों में वो चुनाव जीत पाएंगी। जी अनु, ऐसा है कि उन्नाव मेरा घर है, यहीं पैदा हुई, तो स्वाभाविक है कि अपने परिवार के लिए आदमी घर आदमी करता है। तो मैं अपने परिवार उन्नाव के लिए जितना कर सकती थी सामाजिक तौर पर व्यक्तिगत तौर पर अपनी करती थी, सांसद रही तब भी मैंने जितना मदद कर सकती थी। तो यहाँ पर जो मेरी चुनाव की कोई कहे राजनीति क्या है, रणनीति क्या है, हमारी सब कुछ एक शब्द में निपट जाता है, वो है मोहब्बत, मेरा बस स्नेह और लोगों का प्यार, जो कि मुझे उन्नाव में बेटी के रूप में या बहन के रूप में, कुछ बच्चे बुआ के रूप में, उसी रूप में हमारी सारी राजनीति। और मेरा पूरा ध्यान ज़्यादातर आकर्षित रहता है किसानों की तरफ। जो दिक्कत पड़ी है पहले उनको तो भरें, तो मेरे ख्याल से राहुल जी की सोच सीधे ज़मीन की, और मैं इसलिए चुनाव लड़ने में उत्साह ज़्यादा महसूस आ रहा हूँ। देखिए किस तरीके से बेबाकी के साथ, बड़ी सादगीपूर्ण तरीके के साथ अनु टंडन जी ने सारे सवालों का जवाब दिया। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए राहुल जायसवाल।